गाजीपुर किसान क्रांति गेट पे है और जिस तरह की हालात यहाँ पे हो रही है उससे ये है कि अपना इंतजाम करके जो भी लोग आ रहे हैं अपना इंतजाम करके वो खास करके जो पन्निया हैं जो तिरपाल हैं उनका इंतजाम करके जरूर यहाँ पर आवे, अपने बांस का भी इंतजाम अपनी ट्रॉली में रखें और जो ट्रोलियाँ लेकर हम आएंगे तो उसको ढकने की व्यवस्था बनाए, नंगी ट्रॉली मत लेकर आए क्योंकि नंगी ट्रॉली से दिक्कत होती है, उनको पूरा बांध के उसको लेकर हम आ सकते हैं और ज़्यादातर तिरपाल और जो मजबूत पन्नियाँ होंगी वो भी आप रखेंगे क्योंकि उन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बरसात में रात को ओस पड़ेगी, बरसात होगी, धूप होगी, तो उन चीज़ों की जरूरत है। अपना मकान टाइप का यहाँ पे बनाना हमको पड़ेगा। ये आप देखोगे कि जिनके मजबूत पन्नियाँ हैं उन्हें अपने घर यहाँ पर बना दिए और ये ऊपरले वाले की देन है कि किसी का 2 मंजिल का मकान है, किसी का 4 मंजिल का मकान गाँव में है, लेकिन यहाँ पे जो भी किसान यहाँ पे रह रहे हैं उन किसानों को ऊपरले वाले ने एक ही छत के नीचे सबको जा दिया, सब अपना प्लास्टिक की पन्नी डाल के सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक बहुत अच्छा मेल मिलाप यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। किसी का कितना ही बड़ा कोई फार्म हो, कोई 2 बीघे का काश्तकार है, कोई 100 बीघे का काश्तकार है, लेकिन अपना इंतजाम कर रहे हैं। जैसे इन बच्चों को हम देख रहे हैं कि बरसात से कैसे बचना है, तो ये पूरा अपना हुनर, ये जो गांव का हुनर है, ये गांव का हुनर यहाँ पे देखेंगे कि बरसात से कैसे हमको बचना है, ये पूरा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये ट्रैक्टर है अपना इंतजाम करके आए हैं, पन्नी का इंतजाम करके आए हैं, लकड़ यहाँ पे देख रहे हैं, लकड़ भीग गया है तो गांव से आवे, लकड़ी का भी जरूरी है कि लकड़ी भी लेकर हम यहाँ पर आएंगे। ये गुस्से हैं जो जिसको हुक्का पीना है उसके लिए गुस्से का भी इंतजाम करा है, ये पूरा सिस्टम बना है, पानी गर्म करने का भी यहाँ पे एक नेचुरल सी चीज़ लेकर आए हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पानी गर्म करने के भी आपको दिखाएंगे कि पानी कैसे उनसे गर्म होता है, ये तो पहली बार देखने को मिले, खास करके पंजाब और हरियाणा में ये चीज़ें चलती हैं। लकड़ी का इंतजाम पूरा करा गया है, ये पूरा ऊपर टेंट यहाँ पे लगाए गए हैं, सब लोगों ने टेंट यहाँ पे लगाए, ये इस तरह का अरेंजमेंट देखो, जैसे ये पानी गर्म करने का सिस्टम अपना है, ये नेचुरल वो है कि पानी कैसे गर्म होगा ये आप देख सकते हैं। ये ट्रोलियाँ आप देखोगे कैसे पूरा इंतजाम करके यहाँ पे लोग आए, जो भी ट्रैक्टर ट्रोली लेकर आवे ऊपर से पन्नी, जूते रखने का पूरा सिस्टम, ये गद्दे यहाँ पे है, ऊपर पन्नी। किसी का कितना भी बड़ा फार्म वाला हो, किसी का 2 बीघे का काश्तकार है, वो 100 बीघे का काश्तकार है, लेकिन ऊपरले वाले ने एक ही छत के नीचे सबको ले आए, ये देखने वाली चीज है। ये जो मेल जोल यहाँ पे देखने को मिला, ये बहुत दिन बाद में इस तरह का मेल जोल लोग सड़क पर आए हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना लंगर भंडारा चक रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके सब लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। और ये जो क्रांति है, जो एग्रीकल्चर क्रांति है, जो किसान क्रांति है, ये अपना रंग दिखाएगी। सरकारों को पूरे जो बिल हैं वे वापसी लेने पड़ेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी का नारा यहाँ पे लग चुका है और यहाँ से कोई किसान वापसी नहीं जाएगा। तो सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना वो काम करें, किसानों की बात माने, इस हिसाब से लोग यहाँ पर आए हैं। ये लंगर भंडारे यहाँ पे आप देखोगे और ऊपर तक ये सारी चीज़ें चली हुई है। जो सरकारों को चाहिए कि अब जो किसान की आवाज़ है उन किसान की आवाज़ को सरकार माने, जिस तरह से बारिश में भी एक भी ट्रैक्टर बारिश में घर वापसी नहीं जा रहा है, तो कितने जुनून से लोग आए हैं और पूरे इस आंदोलन को, जो किसानों की एक विचारधारा थी कि बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, अपने दिल से इस आंदोलन को, इन मांगों को किसान ने जोड़ दिया है। तो सरकार को चाहिए कि जो किसानों की जो डिमांड है उनको सरकार पूरा करे, उन डिमांडों को, और उसका काम करें। क्या किसानों को हरा कर सरकार जीतना चाहती है? जब 70% लोगों की ये डिमांड है कि ये कानून खराब है, हमारे हित के कानून नहीं है, तो सरकारों की को किसानों की जन भावनाओं को देखते हुए उनको वापसी ले लेना चाहिए। और आज का जो मौसम है देखो कितना इंतजाम किसानों ने यहाँ पर कर रखा है, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा यहाँ से, ये किसान यहीं रहेगा।
बिल वापसी नहीं होंगे तो किसानों की घर वापसी नहीं होगी। टाइम जो भी लगेगा सब किसान यहीं रहेंगे, और जो भी किसान गांव से आ रहे हैं वे अपना लंगर भंडारा लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे पन्नियों की जरूरत है, पन्नी तिरपाल वो अपना इंतजाम करके आवे, ट्रैक्टर ट्रॉली को ऊपर से पूरा सील करके लेकर आवे जिससे बरसात में ना भीगे। राकेश टिकैत, गाजीपुर, किसान क्रांति गेट, दिल्ली।